पॉलिटी की वीडियो लेक्चर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और अपन नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करेंगे वो है संविधान संशोधन, जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हुए हैं वो सब अपन पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आर्टिकल 368 से, जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। सबसे पहले बात करते हैं अपन आर्टिकल 368 की, जिसमें क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान संशोधन किसके द्वारा होता है? सिर्फ संसद के द्वारा ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। शुरुआत करते हैं फर्स्ट संविधान संशोधन से। शुरुआत करते हैं फर्स्ट संविधान संशोधन से, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो हुआ था 1951 को, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। क्या हुआ था फर्स्ट संविधान संशोधन में? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें भूमि अधिग्रहण वाली बात थी, जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी। कब हुआ था फर्स्ट संविधान संशोधन? 1951 में, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं 16वें संविधान संशोधन की, जो हुआ था 1953 को। कब हुआ 16वां संविधान संशोधन? 1963 में हुआ था 16वां संविधान संशोधन, जिसमें कहा गया यदि कोई राज्य भारत संघ से अलग होने का प्रयास करे तो इस प्रयास को अवैध घोषित किया जाए। तो ये था कि भारत से अगर कोई राज्य अलग होने का प्रयास करे तो उसे अवैध घोषित किया जाए। हमने क्या बताया? हम बात कर रहे हैं संविधान संशोधन 16, जो हुआ था 1963 में, जिसमें बोला गया यदि कोई राज्य भारत से अलग होने का प्रयास करे तो इस प्रयास को अवैध घोषित किया जाए। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन 42। सबसे इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन 42, जो हुआ था 1976 में, जिसको मिनी संविधान भी बोला जाता है। इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज हुई? फर्स्ट जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज थी वो थी मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। फर्स्ट 1966 में फर्स्ट मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। नेक्स्ट संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संविधान की प्रस्तावना में एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य को जोड़ा गया 51 में, बता चुके हैं पहले। तो 42 जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें मूल कर्तव्य में को जोड़ा गया, प्रस्तावना में एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और एक रह गया समाजवादी शब्द जोड़े गए। ये सारे शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है 44 संविधान संशोधन पढ़ते हैं। नेक्स्ट 44 संविधान संशोधन जो हुआ 1978 में, 44 संविधान संशोधन जो हुआ 1978 में, इसमें क्या हुआ था? मौलिक अधिकारों की संख्या। ऐसे बहुत सारे संविधान संशोधन हुए थे पर जो बेसिक इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ। मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से 6 कर दी गई। हमें पता है कौन सा हटाया गया था? संपत्ति का अधिकार हटाया गया था, जिसको लीगल राइट में ऐड किया गया 300A में, 7 से 6 कर दी गई। ठीक है, क्या किया गया? मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से 6 कर दी गई। संपत्ति के अधिकार को हटाकर, मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर उसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया, लीगल राइट का दर्जा दिया गया। ये हुआ था 44 संविधान संशोधन में सबसे इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन। जो हुआ था 1985 में, जिसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ऐसा ऐसी बता चुके हो, दोबारा रिपीट कर रहे हैं ताकि एक साथ लिख ली जाए और याद हो जाए।
दसवीं अनुसूची को जोड़ा गया। दसवीं अनुसूची किसके बारे में है? दल बदल के बारे में, दल बदल के बारे में। तो ये हुआ 52 संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखते हैं 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1989 में, जिसमें मतदान के लिए आयु, इसमें मतदान के लिए आयु 21 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कितनी की गई? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये हुआ 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखते हैं हम 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सारे हो गए, सारे पढ़े हुए अपने पहले, बस इनका अपन रिवीजन कर रहे हैं। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन, जो हुआ था 1993 में। इसमें क्या हुआ? पहला पॉइंट, पंचायती राज को जोड़ा गया। पंचायती राज, एग्जाम में क्वेश्चन आए पंचायती राज को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो वो था 73वां संविधान संशोधन। या क्वेश्चन आए 11वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो वो थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर हम बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन जो था वो 1993 में ही हुआ था। इसमें क्या हुआ? शहरी निकाय उनको ऐड किया गया और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची भी नहीं के बारे में जो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं 73rd 74th। नेक्स्ट हम देखते हैं एक रह गया बीच में 69 में जो संविधान संशोधन था उसके तहत दिल्ली को राजधानी बनाया गया। 69वां संविधान संशोधन था उसमें दिल्ली को राजधानी बनाया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 69 संविधान संशोधन जो हुआ था 1991 में, उसके तहत क्या हुआ था? दिल्ली को राजधानी बनाया गया था और दिल्ली को विशेष दर्जा भी दिया गया था। इसको नाम दिया गया था राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, घोषित किया गया राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली घोषित किया गया। तो दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था 1991 में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 69 संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ, उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया। मंत्रिपरिषद का आकार डिसाइड किया गया कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, जिसमें डिसाइड किया गया मंत्रिपरिषद का आकार, जो बताया गया था 15% होगा। जो बताया गया था ये कितना होगा? 15% होगा लोकसभा सदस्य, यदि हम बात कर रहे हैं केंद्र में। अगर राज्य में बात करें तो 15% हो विधानसभा सदस्य। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो कौन सा संविधान संशोधन था? वो 91वां संविधान संशोधन था जो 2003 में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं 92वें संविधान संशोधन की जो हुआ था 2003 में। 92वां संविधान संशोधन जिसमें बात करें 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को और जोड़ा गया। इसमें क्या था? 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को और जोड़ा गया। ये था 92वां संविधान संशोधन जिसमें 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को और जोड़ा गया। नेक्स्ट बात करते हैं 101वें संविधान संशोधन की। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट 101वें संविधान संशोधन की जो हुआ 2017 में, जिसमें कब हुआ? 2017 में 101वां संविधान संशोधन हुआ, जिसको जिसमें जीएसटी को, गुड सर्विस टैक्स को संविधान में जोड़ा गया। क्या हुआ? जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया। 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया। ये जितने भी संविधान संशोधन थे इम्पोर्टेंट, वो सभी अपने पढ़ लिए। नेक्स्ट अपन थोड़ा सा टॉपिक है वो देख लेते हैं, बहुत बार उससे क्या एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं।
कि जब हमारा संविधान बना, हम जब आजाद हुए 1947 में, उससे पहले क्या थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने भी बहुत सारे एक्ट अपने यहाँ लागू किए, उनके तहत बहुत इंपॉर्टेंट काम हुए, तो हमें वो पॉइंट भी ध्यान में रखने हैं, तो उन पॉइंट को देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से। शुरुआत करते हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से। हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 1947 से पहले जितने भी इम्पोर्टेंट एक्ट थे जो इंडिया में लागू हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, हम उन सबको पढ़ रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से। शुरुआत कर रहे हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुए उनको अपन देखते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, जो बंगाल का गवर्नर था, सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम हुआ इस रेगुलेटिंग एक्ट में कि जो बंगाल के गवर्नर थे उनको उनके पद का नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। सबसे पहला काम क्या हुआ इस रेगुलेटिंग एक्ट में, जो बंगाल के गवर्नर का पद था उसके पद को बदल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने उनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। सबसे पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बदलाव हुआ वो था बंगाल के गवर्नर के पद का नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। जो प्रथम गवर्नर जनरल बने उनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट 1774 में इस एक्ट के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इस एक्ट के तहत 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और इस न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। इनका नाम था सर एलिजा इम्पे। तो हमने बात की 1774 में कोलकाता उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। तो इस 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से हमें दो ही बातें याद रखनी है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और 1774 में क्या हुआ कोलकाता उच्चतम न्यायालय की स्थापना जिसके मुख्य न्यायाधीश बने सर एलिजा इम्पे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 1853 चार्टर अधिनियम, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ मैं वही इंक्लूड कर रही हूँ। 1853 चार्टर अधिनियम 1853 चार्टर अधिनियम। इसमें क्या हुआ कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अभी जो पद बना था बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसमें चेंजेस आए, सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और जो पहले भारत के गवर्नर जनरल बने उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो क्या बताया सबसे पहले मैंने कि सबसे पहला चेंजेस था बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और प्रथम जो गवर्नर जनरल बने भारत के उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट पॉइंट, अब क्या था दूसरा, इसी टाइम पे क्या हुआ लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन हुआ। लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। और प्रतियोगी परीक्षाएं, जो महत्वपूर्ण पद थे उन पदों को भरने के लिए पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन का जो निर्णय लिया गया वो 1853 चार्टर अधिनियम से आता है। तो 1853 चार्टर अधिनियम की कुछ बातें इंपॉर्टेंट, वो सारी मैंने बता दी।
नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या था, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने पहले, लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया और प्रतियोगी परीक्षाओं का जो आयोजन है वो 1853 से शुरुआत हुई। नेक्स्ट देखते हैं 1858 का शासन अधिनियम, ये सारे जो बता रही हूँ सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 1858 शासन अधिनियम, 1858 शासन अधिनियम। अब क्या था, अब भारत के गवर्नर जनरल 1858 का जो शासन अधिनियम था इसमें क्या हुआ था, भारत का प्रशासन वो कंपनी से छीन कर ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। अब पूरा भारत का प्रशासन किसके हाथ में था, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में था। नेक्स्ट क्या हुआ इसके बाद, जो भारत के गवर्नर जनरल का पद था उसको बदलकर भारत का वायसराय पद सर्जित किया गया, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। और जो प्रथम वायसराय बने उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल के लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, प्रथम भारत के गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और अब पढ़ रहे हैं भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट आगे देखते हैं 1909 भारत शासन अधिनियम, 1909 भारत शासन अधिनियम, 1909 भारत शासन अधिनियम की बात करते हैं, जिसका एक नाम और था, नाम था मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 1909 भारत शासन अधिनियम की। इस टाइम जो मार्ले थे वो थे हमारे राज्य सचिव के पद पे थे, और मिंटो उस टाइम के थे वॉइस रॉय। जो मिंटो है उनको सांप्रदायिक, जो मिंटो है जो उस टाइम के वॉइस रॉय थे उन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको कहा जाता है, मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। तो मार्ले उस टाइम के राज्य सचिव थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, मिंटो उस टाइम के वायसराय थे, मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। इस शासन अधिनियम के तहत मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का अनुबंध किया गया। इसमें क्या हुआ, इस शासन अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। नेक्स्ट यहीं पे एक बात बताती हूँ, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये भारत के पहले व्यक्ति थे जो वायसराय की कार्यपालिका के सदस्य बने। ठीक है, ये भारत के पहले व्यक्ति थे जो वायसराय की कार्यपालिका के सदस्य बने। और कौन से सदस्य थे, ये थे विधि सदस्य। प्रथम व्यक्ति जो वायसराय की कार्यपालिका का सदस्य बना भारतीय, उनका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो ये 1909 भारत शासन अधिनियम के बारे में अपन ने पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं 1919 भारत शासन अधिनियम, जिसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम। 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 भारत शासन
अधिनियम या जिसको हम नाम देते हैं मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या अधिनियम। मॉन्टेग्यू उस टाइम के राज्य सचिव हैं, मॉन्टेग्यू उस टाइम कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राज्य सचिव। चेम्सफोर्ड थे उस टाइम पे वॉइसरॉय। तो एग्जाम में बहुत बार तो ये पूछ लिया जाता है 1909 भारत शासन अधिनियम का दूसरा नाम क्या है, तो उसका है मार्ले मिंटो, और 1919 भारत शासन अधिनियम का नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। सबसे पहले इसमें जो शुरुआत हुई हम बात करते हैं इस शासन अधिनियम के तहत क्या हुआ था 1926 में। 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर किसकी स्थापना हुई, यूपीएससी की स्थापना की गई। तो हमें पता था, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि यूपीएससी की स्थापना ली आयोग की अनुशंसा पर 1926 में की गई। पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से शासन अधिनियम के तहत हमारे यहाँ यूपीएससी की स्थापना की गई, तो वो की गई 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत। इसी अधिनियम के तहत पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। इसी शासन अधिनियम के तहत महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला फर्स्ट टाइम। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके बारे में है कि प्रांतों में द्वैध शासन ड्यूल गवर्नमेंट लागू हुआ। इसी टाइम पे प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रांतों में द्वैध शासन ड्यूल गवर्नमेंट कौन से अधिनियम के तहत लागू हुई, तो वो हुआ है 1919 भारत शासन अधिनियम। सबके बारे में एक या दो ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है जो हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है 1935 भारत शासन अधिनियम। हम जब संविधान को शुरुआत की थी अपन ने पॉलिटी की, तब मैंने बताया था कि भारत के संविधान में अधिकतर जो संविधान के अंदर जो आर्टिकल्स हैं वो मैक्सिमम 1935 भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। तो 1935 भारत शासन की बात करें तो इसमें क्या था, जो प्रांत में द्वैध शासन की अपन ने शुरुआत की थी वो हुआ खत्म। प्रांतों में द्वैध शासन को किया गया खत्म और इस द्वैध शासन को केंद्र में लागू किया गया। केंद्र में द्वैध शासन ड्यूल गवर्नमेंट लागू किया गया 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत। प्रांत में द्वैध शासन को खत्म किया गया और केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। नेक्स्ट, इसी 1935 भारत शासन अधिनियम में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची आई। और संवर्ती सूची 1935 भारत शासन अधिनियम में ही केंद्र में जो द्वैध शासन की स्थापना थी उसी में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का निर्माण किया गया। तो अब बचता है एक लास्ट 1947 भारत शासन अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो आखिरी है इसमें और अपना लास्ट टॉपिक भी है पॉलिटी का। हम देख रहे हैं 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इसके तहत दो अलग अलग देश बनाने की बात हुई, भारत और पाकिस्तान, और दोनों के लिए अलग अलग संविधान बनाने की बात की। और कहा गया कि जब तक संविधान न बनने तक कौन से रूल के तहत शासन किया जाएगा, 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत शासन किया जाएगा। तो ये पढ़ा हमने 1947 जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था उसमें दो अलग अलग अधिराज्यों की स्थापना की गई, भारत और पाकिस्तान की, और कहा गया कि जब तक ये दोनों अपना संविधान नहीं बना लेते वहां पर 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत शासन होगा, रूल्स फॉलो होंगे। तो ये बात थी 1947 की। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने। स्वतंत्र
भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ये देखेंगे। और हम देखेंगे कि प्रथम भारतीय कौन थे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो अगर हमें देखें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो उनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। और जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट यही सातवें में कुछ आपको आयोगों की स्थापना कब हुई वो बता देती हूँ। तो हम बात करें नीति आयोग की स्थापना, कुछ इम्पोर्टेंट है वो बता देती हूँ। नीति आयोग की स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015। कब हुई नीति आयोग की स्थापना? 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद, इस राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, इन सबका अध्यक्ष कौन है? पीएम। राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1952, 6 अगस्त 1952। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ कुछ स्टेचुरी बॉडी, संवैधानिक बॉडी और असंवैधानिक बॉडी के बारे में, देखते हैं इसको। ये इतना ही था यहाँ पे, नेक्स्ट देखते हैं अपन संवैधानिक और असंवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक और असंवैधानिक, असंवैधानिक स्टेचुटरी बॉडी और नॉन स्टेचुटरी बॉडी, ठीक है। सबसे पहले संवैधानिक जितने भी निकाय हैं उनकी बात करते हैं। संवैधानिक में सबसे पहले नाम आएगा निर्वाचन आयोग, चाहे वो केंद्र निर्वाचन आयोग हो या राज्य निर्वाचन आयोग हो, वो संवैधानिक बॉडी है। नेक्स्ट यूपीएससी, आरपीएससी, ये भी क्या है? हमारे संवैधानिक आयोग है। नेक्स्ट बात करते हैं वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग या केंद्रीय वित्त आयोग, दोनों ही संवैधानिक बॉडी है। नेक्स्ट जो नाम आता है वो आता है कैग, अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सारे पद क्या है? संवैधानिक पद है। कैग, अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ये जितने भी पद हैं वो सब के सब क्या है? संवैधानिक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, राष्ट्रीय आयोग बनाए गए हैं जो एससी और एसटी के लिए, राष्ट्रीय आयोग फॉर एससी एंड एसटी, वो सारे आयोग या निकाय जो है वो क्या है? संवैधानिक है। नेक्स्ट बात करते हैं असंवैधानिक निकायों की, तो असंवैधानिक निकायों में बात करते हैं नीति आयोग, सबसे पहले नीति आयोग, सूचना आयोग, नीति आयोग, सूचना आयोग, नेक्स्ट मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग, नीति आयोग, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लोकपाल और लोकायुक्त, लोकपाल एवं लोकायुक्त, लोकपाल एवं लोकायुक्त, सीबीआई, ये सब जितने भी मैंने बताए ये सारी असंवैधानिक बॉडी है। और एक और बच गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीआई, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया आपको संवैधानिक और असंवैधानिक निकाय के बारे में। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे हमारे पास पॉलिटी के, वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो अपन शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे आर्ट ऑफ कल्चर राजस्थान के बारे में, और ये वीडियो आपको दिवाली के बाद ही उपलब्ध हो पाएगा। हम दिवाली के बाद ही वीडियो अपलोड कर देंगे, आप तब तक इन जितने भी ये पढ़ाए हैं, पॉलिटी हमारी पॉलिटी कम्प्लीट है, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स कंप्लीट है, तब तक आप इन सबको रिवाइज कर सकते हो, इतना टाइम है आपके पास। आफ्टर दिवाली हम शुरुआत करेंगे आर्ट एंड
कल्चर ऑफ राजस्थान. नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, जो दिवाली के बाद आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे. तब तक के लिए थैंक यू. ये टॉपिक आपका पॉलिटी कंप्लीट हो गया है एंड अब सबको हैप्पी दिवाली.